लखनऊ के योग भवन लोक भवन ले चलते हैं यहाँ पर सीएम योगी योग कर रहे हैं और श्वासों को भरते हुए मध्य भाग से होते हुए पुनः श्वासों को छोड़ते हुए बाईं पुनः विश्राम मध्य की स्थिति में आएंगे अब पूरी ग्रीवा को घुमाना है श्वासों को छोड़ते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन से इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं एक में आप देखिए प्रकाश जावड़ेकर मुख्तार अब्बास नकवी हैं प्रकाश जावड़ेकर ये नहीं है ये मुख्तार अब्बास नकवी हैं आपको बता दें तो लखनऊ के लोक भवन से योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं वहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं उनके साथ दिनेश शर्मा हैं उप मुख्यमंत्री राम नाइक राज्यपाल और कई लोग वहां पर उपस्थित हैं इस वक्त उपस्थित है और योग दिवस पर आज सामूहिक का अभ्यास कार्यक्रम में वो लोक भवन में मौजूद हैं देखिए कई मुद्राएं और आसन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवे हमारे भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे पूरी दुनिया में न केवल सम्मान दिलाया बल्कि स्वीकारिता इसकी बढ़ाई और आज पूरा विश्व जो है वो इक्कीस जून को पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जब मना रहा है तो हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है देखिए सीएम योगी को किस तरीके से आसन करते हुए नजर आ रहे हैं और राम और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद दोनों हाथ सामने की ओर योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं इस सामूहिक कार्यक्रम है योगाभ्यास का तो ये राजभवन से तस्वीरें हैं आपको बता दें है हालांकि ऐसी बात की जा रही थी कि शायद लोक भवन में कार्यक्रम होगा लेकिन राजभवन में कार्यक्रम हो रहा है देखिए सीएम योगी को राजभवन से सीधी तस्वीरें सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं वहां पर राज्यपाल राम नाइक पहुंचे हैं सीएम योगी पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं देखिए दूसरी मुद्रा में नजर आ रहे हैं इन लोगों को देखिए भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि वक्त साढ़े आठ के ऊपर हो चुका है लेकिन अभी भी योगासन चालू है और ये अपने आप में बेहद एक अलग ही मुद्रा में नजर आ रहे हैं वहां पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से योगासन करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ राम नाइक है और वक्त बढ़ रहा है लेकिन अभी भी योगासन जो है वो जारी है ठीक है आज का दिन बेहद अहम हो जाता है जिसको लेकर के देख सकते हैं आप कुछ लोग शायद इतना मानते हैं योग को योग दिवस को कि वाकई में देखिए ये कुछ महिलाएं आपको युवतियां नज़र आ रही हैं वो योगासन करते हुए नज़र आ रही हैं जिनको देख कर के लोग उन्हीं मुद्राओं को और उन्हीं आसनों का लोग देख करके उसे फॉलो कर रहे हैं देखिए किस तरीके से एक बार जिस तरीके से ये युवतियाँ जो भी मुद्राएँ और आसन कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से सभी लोग वहाँ पर इनको फॉलो कर रहे हैं और ये योगासन जो मुद्राएँ हैं योगासन है ये अहम है अपने आप में ये फिट रखने का अपने आप को बेहद अच्छा तरीका है मन और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है ये कुल मिलाकर के शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को मजबूत करता है योगी आदित्यनाथ बेहद फिट नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो डेली ही योग करते हैं देखिए अब सीएम बैठ गए हैं राम भी अभी खड़े हुए हैं देखिए अब उनके लिए कुर्सी आगे बढ़ाई जा रही है हालांकि उनकी आयु ज्यादा है अब बैठ करके अब योगासन करेंगे सीएम योगी एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको आज योग कराकर ही उन्होंने